नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे आरटीई से लड़के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कहते हैं कि सर क्या पेपर एक्सटेंड होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ पेपर एक्सटेंड नहीं होगा, ये मान के आप रखो, ठीक है, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि अगर आप पेपर एक्सटेंड के चक्कर में अगर ढीले पड़ गए, अपनी पढ़ाई का जो करंट फ्लो था उसको अगर कम कर दिया तो आप समस्या में पड़ जाओगे, बता रहा हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन है आप लोगों के लिए। कई बंदे 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो हमसे क्लास लेते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छे से रह जाओगे जो वो काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप पेपर एक्सटेंड के चक्कर में आप धीमे ना पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई के फ्लो को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी जैसे रिजल्ट आया था कोरोना के बीच में, इंटरव्यू हुआ था और बंदों की ज्वाइनिंग भी हुई और ट्रेनिंग भी आज ख़त्म हो चुकी है। तो ये आर्मी है, इसके पास कोई भरोसा नहीं है ये कब क्या कर दे। तो इसलिए अपनी आप पढ़ाई मौका मिला तो कंटिन्यू उसको रखिए, फिर ध्यान रखें। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आप लोगों के लिए इसी के साथ में, कि बहुत सारे बंदे मुझे फ़ोन करते हैं अभी भी अपने विषय को लेकर, बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर, है ना। तो भैया आपको समय नहीं है फिलहाल, अभी पढ़ाई करने का समय है, ठीक है। कई बंदे एडमिट कार्ड के चक्कर में धीमे पड़ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन, उनके दिमाग ख़राब है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। भैया एडमिट कार्ड देना और भर्ती करना ये उनकी समस्या या आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या है आपकी योग्यता को सार्थक बनाना, यानी कि उसको सही से निर्धारित करना अभी वर्तमान में, और फिर उसका अच्छा परिणाम लाना, ये आपका काम है। आपका काम ये नहीं है कि एडमिट नहीं मिला तो क्या होगा। भैया आप फेट हो, सारी चीज़ें कम्प्लीट हो। कई बंदों को उन्होंने अभी एक नोटिस भेजा था कि आपके जो नोट्स हैं, सॉरी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, तो उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, विचाराधीन है, ऐसे करके भेजा था, और लड़के उसी में धीमे पड़ गए, यानी कि उनका दिमाग ख़राब हो गया। भैया आपकी डिग्री सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो ले लेंगे, अब उसके बारे में जाना दिमाग मत लगाओ, जाना सोचो मत, ठीक है। तो एक मेरा वीडियो था सभी आरटीजीसियों के लिए, आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी भी हरियाणा के जो बंदे बहुत सारे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो भैया कर लो, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, आपको पता है कि एक महीने ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों को भेज देंगे और आप लोग कंटिन्यू भी पढ़ाई रख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाए और आपके अच्छे नंबर आएँ और साक्षात्कार में आप क्लियर हो जाओ। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो को आप लोग शेयर करना यार, आप लोग शेयर नहीं करते तो हर बंदे तक नहीं पहुँचता है, ठीक है। जिससे क्या है कि बंदों को जानकारी नहीं मिलती और आपके मन में ये रहता है कि हम तो बड़े किंग खां हैं। क्यों रीज़न है उसका, आपको लगता है कि हमने ज्ञान ले लिया बस हो गया। भाई इसको ट्रांसफ़र कीजिए, ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि आपके जो साथी हैं उनका भी भला हो जाएगा। वैकेंसी बहुत है, टेंशन मत लो, ऐसा मत लो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओके, जय हिंद।